बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की, मध्य प्रदेश के सागर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। शाहपुर में दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। शिवलिंग निर्माण के दौरान गिरी ये दीवार, धार्मिक आयोजन में बच्चे भी शामिल थे। हादसे में घायल लोगों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में बच्चे जो है वो शामिल थे। ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो सागर में हो गया है, मध्य प्रदेश के। ये दर्दनाक हादसा जहां पर शाहपुर में दीवार गिर गई, दरअसल निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और दीवार गिरने से 8 बच्चों की जान चली गई है। शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान वहां जो दीवार थी वो गिर गई। धार्मिक आयोजन जब चल रहा था तो बाकी लोगों के साथ में बच्चे भी वहां पर शामिल थे और जो लोग जख्मी हुए हैं देखिए उनको इलाज के लिए भर्ती जरूर किया गया। ये लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा जहां पर एक धार्मिक आयोजन में ये बच्चे शामिल थे। निर्माणाधीन तो ये पूरी बिल्डिंग की दीवार का जो काम चल रहा था वहां पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की, मध्य प्रदेश के सागर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। शाहपुर में दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। शिवलिंग निर्माण के दौरान गिरी ये दीवार, धार्मिक आयोजन में बच्चे भी शामिल थे। हादसे में घायल लोगों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में बच्चे जो है वो शामिल थे। ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो सागर में हो गया है, मध्य प्रदेश के। ये दर्दनाक हादसा जहां पर शाहपुर में दीवार गिर गई, दरअसल निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और दीवार गिरने से 8 बच्चों की जान चली गई है। शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान वहां जो दीवार थी वो गिर गई। धार्मिक आयोजन जब चल रहा था तो बाकी लोगों के साथ में बच्चे भी वहां पर शामिल थे और जो लोग जख्मी हुए हैं देखे उनको इलाज के लिए भर्ती जरूर किया गया। ये लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा जहां पर एक धार्मिक आयोजन में ये बच्चे शामिल थे। निर्माणाधीन तो ये पूरी बिल्डिंग की दीवार का जो काम चल रहा था वहां पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है।